नमस्कार, आप देख रहे हैं टैलेंटेड इंडिया और मैं हूं राहुल तिवारी। टैलेंटेड व्यू के इस अंक में आज हम बात कर रहे हैं राजनीति और सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव का माहौल चल रहा है, लगातार कई सारी शिकायतें आ रही हैं और इन शिकायतों पर सुप्रीम कोर्ट बार बार संज्ञान ले रहा है और नसीहतें भी दे रहा है। सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी की। रफाल के मुद्दे पर बार बार चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, ये नारा राहुल गांधी लगा रहे हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सरकार को फटकार लगाई थी तो राहुल गांधी ने कहा था कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि चौकीदार चोर है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी किया था कि हमने ऐसा कब कहा और आपने हमारे नाम से इस बात को क्यों कोर्ट किया या क्यों लोगों के बीच में रखा कि हमने ऐसा कहा है। तो राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया था। 26 पेज का यह हलफनामा था जिसमें राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांगी थी। हालांकि कोर्ट राहुल गांधी की इस माफ़ी से संतुष्ट नहीं हुआ और कोर्ट ने फिर कहा कि इस हलफनामे को सुधार कर भेजें, इसकी भाषा से और इसकी भावनाओं से कोर्ट संतुष्ट नहीं है। सोमवार को फिर राहुल गांधी ने एक दूसरा एफिडेविट कोर्ट को पेश किया जिसमें पहले पैराग्राफ को छोड़कर बाकी कुछ भी अलग नहीं था। पहले पैराग्राफ में कुछ बदलाव थे, साथ ही साथ दूसरा बदलाव यह था कि वो 26 पेज का हलफनामा था और ये 28 पेज का हलफनामा है। इसमें राहुल गांधी ने माफ़ी की जगह खेद शब्द का इस्तेमाल किया है, यानी राहुल गांधी यहाँ भी राजनीति करने से नहीं चूके। यहाँ भी जिस तरह राजनीति में अलग अलग तरह के हथकंडे, लगातार अलग अलग तरह की जो कवायदे की जाती हैं, वो कवायदे यहाँ करने की कोशिश की। राहुल गांधी सोच रहे थे कि शायद वे एक साफ तौर पर माफ़ी भी ना मांगेंगे और पतली गली से होते हुए निकल जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ उन्हें फटकारा। राहुल गांधी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी वकील थे, उन्हें कोर्ट ने फटकार लगाई। आज इस मामले पर फिर सुनवाई हुई थी और कोर्ट ने कहा कि आपका जो हलफनामा है इसमें ऐसा कोई शब्द नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है जिससे कोर्ट संतुष्ट हो। अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में तर्क रखे, उन्होंने कहा कि माफ़ी के स्थान पर खेद इसलिए लिखा गया है क्योंकि माफ़ी के स्थान पर इस शब्द को इस्तेमाल किया जा सकता है, वे इसके लिए डिक्शनरी भी दिखा सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने फिर भी उन्हें समझाया और कहा कि चाहे तो तीसरी बार का समय ले लें, लेकिन कम से कम जो माफ़ी है वह इस भावना के साथ तो मांगी जाए कि लगे कि हाँ इस पर माफ़ी मांगी गई है। बहरहाल ये विषय अलग है कि सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी को कब कैसे माफ़ करेगा या करता है या नहीं करता है, पर बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी, आप अपने आप को चाहे कितना ही अच्छा राजनेता या स्मार्ट लीडर समझने की कोशिश करें, लेकिन संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका अपना महत्व है। सुप्रीम कोर्ट इस देश की न्यायपालिका का सर्वोच्च वो सदन है जहां से लोगों को अंतिम न्याय प्राप्त होता है। जिस तरह से लोकतंत्र में लोकसभा राज्यसभा ये प्रजातंत्र के नियम है, लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण सदन है, उसी तरह से न्यायपालिका की अपनी भूमिका है। यदि न्यायालय से कोई आदेश हुआ है, यदि न्यायालय ने कोई बात कही है, तो उसे थोड़ा सा आपको गंभीरता से लेना चाहिए। दूसरी बात, राहुल गांधी भारतीय हैं या ब्रिटिश हैं, यह राग और ये विवाद एक बार फिर उठा है। इस बार राहुल गांधी की जो नागरिकता है उसे लेकर सवाल उठाए हैं भारतीय जनता पार्टी ने और हवाला दिया है 2003 से 2009 के बीच ब्रिटेन में बनी एक कंपनी का, कि इस कंपनी के जो डायरेक्टर हैं वो राहुल गांधी थे और राहुल गांधी के हस्ताक्षर हैं इस कंपनी के जो दस्तावेज़ हैं उन पर, और इससे ये साबित होता है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं, लिहाजा उनकी सदस्यता भी खत्म हो और उन्हें भारत से चुनाव ना भी लड़ा जाए। तो गृह मंत्रालय जो है उसने अब इस मामले में दखल दिया है, राहुल गांधी को एक नोटिस जारी किया है और उनसे जानकारी मांगी है कि आप कहाँ के नागरिक हैं और आपकी जो नागरिकता है उसको लेकर सच क्या है। कांग्रेस के पास बात पहुंची, कांग्रेस की हाल ही में नवनिर्वाचित महासचिव हैं प्रियंका गांधी, उन्होंने कहा कि सब बकवास है और चार चरण का चुनाव हो गया है, राजनीतिक माहौल बनाने के लिए इस तरह की बातें कही जा रही। संबित पात्रा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने इस मामले में आरोप लगाए। एक कंपनी के दस्तावेज है, उस कंपनी का नाम है बैकऑप्स लिमिटेड। ये कंपनी रजिस्टर होता है इंग्लैंड, यूके में ये रजिस्टर होता है, ये डिसॉल्व भी होता है यूके में। तो हमारे पास रजिस्ट्रेशन की कॉपीज हैं जो कि August 21, 2003 उस समय रजिस्टर होती है। हमारे पास उस कंपनी के डिसोल्यूशंस के कागज हैं। जब ये कंपनी को डिसॉल्व किया गया, कंपनी को रोका गया, बंद किया गया, February 17, 2009 का उसके दस्तावेज है। उस कंपनी के एनुअल रिटर्न्स हैं
जो कि दो बार फाइल किए गए हैं और वो दोनों कागज हमारे पास हैं, 10 अक्टूबर 2005 और 31 अक्टूबर 2006, इन दोनों डेटों में एनुअल रिटर्न्स इस कंपनी के फाइल किए गए, वो दस्तावेज भी हमारे पास हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो आपको जानने की आवश्यकता है वो यह है कि ये जो कंपनी है जिसका नाम बैकऑप्स लिमिटेड है, राहुल गांधी उसके ऐसे सदस्य नहीं है, वो उसके डायरेक्टर, प्रमोटर और सेक्रेटरी हैं। अर्थात एक तरह से देखा जाए तो वो उस कंपनी के मालिक हैं। आप देख सकते हैं कंपनी सेक्रेटरी के रूप में राहुल गांधी जी का नाम आता है। आप देख सकते हैं कंपनी का नाम बैकऑप्स लिमिटेड है। मैं एक एक करके आपको सारे दस्तावेज दिखाऊंगा। तो राहुल गांधी उस कंपनी के डायरेक्टर हैं, उस कंपनी के सेक्रेटरी हैं। दूसरी बात है कि ये 10 अक्टूबर 2005 में जो एनुअल रिटर्न फाइल किया गया था इस कंपनी का, 10 अक्टूबर 2005 को, उस समय राहुल गांधी जी 65% के शेयर होल्डर हैं इस कंपनी के, 65% के शेयर होल्डर हैं। और उसमें क्या लिखा हुआ है यह आप भी जानते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि उस एनुअल रिटर्न में जिसमें वो 65% के शेयर होल्डिंग पे हैं, उसमें आप यहां देख सकते हैं राहुल गांधी जी के नाम के आगे डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है 19/8/1970, और उसके नीचे जब सवाल उठता है कि आपकी नेशनैलिटी क्या है, तो सवाल पे लिखा हुआ है कि मेरी नेशनैलिटी ब्रिटिश है और आपकी पोजीशन क्या है, मैं कंपनी डायरेक्टर हूं। और एड्रेस भी आप देख सकते हैं, ये इंग्लैंड का एड्रेस है, यूके का एड्रेस है, तो ब्रिटिश हूं। तो एनुअल रिटर्न में कहना कि मैं ब्रिटिश हूं, ठीक उसी प्रकार जब कंपनी बनती है तब वो कहते हैं कि मैं ब्रिटिश हूं, और जब कंपनी डिसॉल्व होती है, आप वो भी देख सकते हैं कंपनी डिसॉल्व होने के कागज, ये कंपनी डिसॉल्व होने के दस्तावेज हैं, उसमें भी नेशनैलिटी ब्रिटिश आगे ऊपर लिखा हुआ है। मैं इसको निकाल के दिखाता हूं ताकि आपको ईजी रहे। आप ऊपर देख सकते हैं राहुल गांधी government.uk, डेट ऑफ बर्थ भी आप देख सकते हैं सही लिखा हुआ है उनका, और बैकऑप्स लिमिटेड कंपनी का नाम, वहां नेशनैलिटी ब्रिटिश आता है, और उसके बाद कंपनी को डिसॉल्व डिक्लेयर किया जाता है। तो जब ये कंपनी आरंभ होती है तब वो ब्रिटिशर हैं, जब ये कंपनी डिसॉल्व होती है 2009 में तब वो ब्रिटिशर हैं, जब 2005 और 2006 में इसकी एनुअल रिटर्न्स भरी जाती है तो वो अपने आप को अंग्रेज बताते हैं, अर्थात ब्रिटिशर बताते हैं, और ये डॉक्यूमेंट राहुल गांधी जी द्वारा सत्यापित हैं। उन्होंने कहा कि राहुल ओरिजिनल कहाँ से हैं, वे लुटियंस वाले हैं या लंदन वाले हैं, ये बताएं। इसके अलावा उन्होंने और बातें कही। उन्होंने कहा कि 2003 में इंग्लैंड में एक रजिस्टर्ड कराई गई थी कंपनी बैकऑप्स लिमिटेड। इस कंपनी के निदेशक और सचिव थे राहुल गांधी। इस कंपनी के जो दस्तावेज हैं उनमें राहुल गांधी ने खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया था, और इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर गृह मंत्रालय में भाजपा ने शिकायत की है। ये दस्तावेज जो है इन्हें राहुल गांधी ने खुद सत्यापित किया था, ये दावा कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं संबित पात्रा, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता। संबित पात्रा ने कहा कि 2003 में बैकऑप्स लिमिटेड नाम की कंपनी यूके में रजिस्टर्ड हुई, 2009 में कंपनी बंद हो गई। इसके बाद कंपनी जो शुरू हुई और जो बंद हुई उसके दस्तावेज भाजपा के पास हैं। साथ ही साथ कंपनी ने दो बार अपने जो वार्षिक रिटर्न्स होते हैं वे फाइल किए थे, जो करीब 10 अक्टूबर 2005 को भी फाइल किए गए थे। इसके अलावा एक टाइम और किए गए थे। 65% के शेयर होल्डर राहुल गांधी इस कंपनी में है, और जो वार्षिक रिटर्न है उसमें भी उनका नाम है। तो इन दस्तावेज में राहुल गांधी ने खुद को ब्रिटिश बताया था, और उसके बाद भाजपा ने भी इसे मुद्दा बनाने की तैयारी कर ली है। संबित पात्रा ने दावा किया कि राहुल गांधी जो हैं, एक तरफ वे खुद को अंग्रेज बताते हैं, दूसरी तरफ भारतीय बताते हैं, तो ऐसे में उन्हें संसद में रहने का कोई अधिकार नहीं बनता है। बहरहाल ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि राहुल गांधी की नागरिकता है उसे लेकर सवाल उठाए गए हों। इसके पहले भी कई बार ये मामला शुरू हुआ था 2015 से, जब सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी पर उनकी नागरिकता को लेकर आरोप लगाए थे, और 4 साल पहले 2015 में सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री को एक खत लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं, ऐसे में भारतीय नागरिकता और संसद की जो सदस्यता है उसे रद्द किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक याचिका भी दायर की थी, और बाद में अदालत ने इस मामले पर, इस याचिका पर सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया था। जनवरी 2016 में एक बार फिर ये मामला चर्चा में आया था। तब महेश गिरी थे बीजेपी के सांसद, उन्होंने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि राहुल गांधी जो हैं
तो अपनी नागरिकता पर स्थिति स्पष्ट करें। इसके बाद ये संसद की एक समिति है, उसके पास ये मामला गया था और राहुल गांधी को इस मामले में जवाब मांगा गया था। राहुल गांधी ने अपना जवाब दिया कि ये सिर्फ मेरी छवि खराब करने का एक प्रयास है, मैं भारतीय ही हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं परवरिश भी हुई है और मैं ब्रिटिश नागरिक नहीं हूँ। साथ ही साथ उन्होंने इस बात पर हैरानी भी जताई थी कि कैसे संसद की सबसे बड़ी समिति इस तरह की जो याचिकाएं हैं, इस तरह की जो चीज़ हैं, उन्हें स्वीकार कर सकती हैं। सितंबर 2017 में एक बार फिर ही मामला चर्चाओं में आया, तब सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया और राहुल गांधी से उनकी नागरिकता के बारे में सवाल पूछे। गृहमंत्री राजनाथ सिंह को भी उन्होंने चिट्ठी लिखी और गृह मंत्रालय ने तब बहुत कुछ खास इस मामले पर कदम नहीं उठाए थे। अब एक बार फिर जब चुनाव चरम पर हैं, चार चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लगातार विपक्ष और पक्ष एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, ऐसे में राहुल गांधी की नागरिकता का मुद्दा फिर से उठाया गया है। चाहे ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति हो, कांग्रेस को बैकफुट पर लाने के लिए उनका कोई कदम हो, लेकिन राहुल गांधी की नागरिकता का मसला फिलहाल चर्चाओं में है। अब देखते हैं कि राहुल गांधी गृह मंत्रालय को क्या जवाब देते हैं और क्या वाकई में उनकी नागरिकता को लेकर जो भ्रम है वह सच पाया जाता है, या हमेशा की तरह एक बार फिर कोरी हवा कोरा धुआं बनकर ये जो मुद्दा है, ये जो विवाद है, ये जो आरोप हैं, ये उड़ जाते हैं। तीसरी और बड़ी खबर जो आज की है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ राहुल गांधी को फटकार नहीं लगाई, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुनवाई हुई उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के भी पसीने छूट गए। ये भी घबरा गए एक बार कि क्या आज से ठीक 44 साल पहले इंदिरा गांधी के समय में, उनके कार्यकाल में जो हुआ वो कहीं अब वापस ना हो जाए, प्रधानमंत्री का चुनाव कहीं शून्य घोषित ना कर दिया जाए, रद्द ना कर दिया जाए, क्योंकि इंदिरा गांधी जैसा कि सभी को पता है देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, लेकिन सिस्टम का इस्तेमाल करने में, राजशाही का इस्तेमाल करने में, अफसरशाही का इस्तेमाल करने में कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ती थी। वैसे ही आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर लगे हैं। आरोप यह है कि एक वेब पोर्टल है, उसने एक आर्टिकल लिखा है, उस आर्टिकल में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने नीति आयोग से ये कहा था कि जहाँ जहाँ उनकी सभाएँ होनी हैं, प्रधानमंत्री मतलब उनके कार्यालय ने नीति आयोग से ये कहा था कि जहाँ जहाँ पीएम साहब की सभाएं होनी हैं वहाँ की जानकारियाँ स्थानीय कलेक्टर उन्हें इकट्ठा करके दें और फिर वे पीएमओ को पहुँचाएँ। अब नीति आयोग की एक अफसर हैं, उनका नाम है पिंकी कपूर, उन्होंने तत्काल आनंद फानन में एक बैठक बुलाई जब पीएमओ से उनको आदेश हुआ और उन्होंने कई सारे कलेक्टरों को ये कहा कि पीएम साहब आपके इलाकों में सभा करने वाले हैं, आप कृपया ये जानकारी कि वहाँ का खान पान क्या है, रीति रिवाज क्या है, कौन कौन से लोग रहते हैं, रोज़गार धंधे क्या हैं, कितनी आबादी है, लोगों का, मतलब कुल मिलाकर एक तरह का सर्वे वो उन्हें दें ताकि वो पीएमओ अपने इस्तेमाल के लिए उसको उपयोग कर सकें। जैसे ही निर्देश जारी हुए सभी कलेक्टर इस काम में जुट गए। महाराष्ट्र के गोंदिया की कलेक्टर थी, उन्होंने तो सारी जानकारी फटाफट निकाल कर नीति आयोग को मेल भी कर दी। कलेक्टर का नाम है कादंबरी बलकावड़े, उन्होंने जानकारी भेजी, बाद में मेल में ये भी लिखा कि पीएमओ द्वारा या नीति आयोग द्वारा मांगी गई जो जानकारियां हैं तमाम सारी उन्हें भेज दिया गया है। और ये हम कोई दावा नहीं कर रहे हैं या कोई आरोप नहीं लगा रहे, इस तरह की आर्टिकल्स और इस तरह की खबरें दूसरे जो न्यूज़ पोर्टल्स हैं, दूसरे जो अखबार हैं उनमें छपी हैं और उसके मार्फत हम ये बात आपको कह रहे हैं। तो सारी जानकारी भेजी गई, बाद में चुनावी सभाओं में उस चीज़ का जिक्र हुआ। चुनाव आयोग जो हर बार की तरह इस बार नज़र नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की भूमिका गौण है, उसकी तरफ से तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। चुनाव आयोग में लगातार शिकायतें की गई। सबसे बड़ी बात यह कि चुनाव आयोग को जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनमें कहीं भी प्रधानमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का जिक्र ही नहीं है। छोटे मोटे प्रत्याशियों की जो शिकायतें हैं उन शिकायतों को चुनाव आयोग ने अपने पोर्टल पर जाहिर किया है लोगों के लिए कि आप देख लीजिए हम कितने पारदर्शी हैं, कितने निष्पक्ष हैं, कर दिया वो। अब जो मामला था ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा चुनाव आयोग के खिलाफ, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कुछ नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी यही बात कही कि अंतिम निर्णय जो है चुनाव आयोग को लेना है और चुनाव आयोग इस मामले पर जो आरोप लग रहे हैं उनकी जांच करे और निर्णय ले कि क्या हो सकता है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि 44 साल पहले सन 1971 में जब इंदिरा गांधी ने चुनाव लड़ा था तब उन्होंने एक अफसर हैं जिन्हें, इनका नाम था यशपाल कपूर,
अपना चुनाव का पूरा ऑर्गेनाइजर बना लिया था पूरी तरह से, कैसे चुनाव मैनेज होगा, कैसे कैंपेनिंग होगी, कैसे चुनाव के दौरान ये काम किए जाएंगे, वो काम किए जाएंगे, तमाम सारे काम उनके द्वारा देखे गए थे। बाद में अब जब देश में 2019 में लोकतंत्र में एक महापर्व का जो है यहाँ पर दौर चल रहा है, एक बार फिर वह सरकार आई है जो किसी की सुनती नहीं है, सिर्फ अपनी सुनाती है, और लोगों की मजबूरी है कि उस सरकार के साथ लोगों ने 5 साल बिताए, और आने वाले 5 साल किस तरफ जाने हैं ये भी अब लोग तय करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वही काम किया है जो इंदिरा गांधी ने 1971 में किया था। इंदिरा गांधी ज़बरदस्त लहर के साथ जीती थी, उन्होंने रायबरेली से राजनारायण को हराया था, लेकिन बावजूद इसके उस वक्त चुनाव आयोग ने उनका चुनाव शून्य घोषित कर दिया था, यानी उस सीट पर इंदिरा गांधी न जीती ना हारी, वो वाली बात हुई। क्या इस बार एक बार फिर चुनाव आयोग अपनी उस भूमिका को पहचानेगा? चुनाव आयोग की जो शक्तियाँ जिसे चुनाव आयोग भूल चुका है, क्या कोई दूसरा, एक चाहे सुप्रीम कोर्ट ही हम कह लें उन्हें, वे जामवंत का रूप धारण करके चुनाव आयोग को अपनी शक्तियों का एहसास कराएंगे, या चुनाव आयोग जो खुद अपने अधिकारों को, अपनी नीतियों को और अपनी भूमिका को पहचानता है, वह इस पूरे मसले पर संज्ञान लेगा? हम ये नहीं कहते कि प्रधानमंत्री का चुनाव शून्य घोषित कर दिया जाए, लेकिन यदि कुछ गलत हुआ है तो उसकी जांच की जानी चाहिए, जांच में यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, और यदि कोई निष्पक्ष पाया जाता है तो उसे क्लीन चिट भी आपको देनी चाहिए। लेकिन निवेदन बस यही है, अपील बस यही है कि जनता में से निकले हुए कुछ लोग या कुछ ऐसे लोग जो समझते हैं कि लोकतंत्र में वाकई में क्या होना चाहिए, वो लोग आपसे अपील कर रहे हैं, कृपया इनकी बात सुनिए। नमस्कार। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।